हेलो, ये मैं अरुण पवार। अगर आपके कार के इंफोटेनमेंट में भी एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले वाला फीचर है तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो एंड्रॉइड ऑटो था वो 2014 में कार मैन्युफैक्चरर्स और गूगल ने मिलके कार को बढ़िया बनाने के लिए, उसका एक्सपीरियंस जो यूजर्स को बढ़िया मिले उस वजह से लॉन्च करा था, और ये इम्प्रूव करते करते स्टेज पे आ गया है कि आज का जो अपडेट है इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। पहले जो आया करते थे, हाल फिलहाल में इसका अपडेट आया है, वो चीज़ मैं इसको दिखाने वाला हूँ। प्लस इसकी जो एंड्रॉइड ऑटो है एप्पल कारप्ले की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, लेकिन बहुत भाइयों को अब भी डाउट होता है कि ये मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या, स्पेशली बलेनो के इंफोटेनमेंट की बात करने वाले हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी कार हो जो एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती हो तो उसमें ये चीज़ अप्लीकेबल होगी जो आज हम देखने वाले हैं। प्लस जो आफ्टर मार्केट पायनियर वगैरह सोनी वगैरह के आते हैं जिनमें एंड्रॉइड ऑटो आता है वो उनके साथ भी ये चीज़ होगी। तो क्या वो अपडेट है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो पहले इसका आता था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैच्ड अप हुई रहती थी उसमें सारी चीज़ें, तो अब जो आया है मैंने अभी उसको थोड़ी देर पहले यूज़ करके देखा, बहुत ही सिंपल और बहुत सही इंटरफेस बार इसका कर दिया एंड्रॉइड ऑटो का। तो सबसे पहले क्या करना होता है अपने को यूज़ करने के बाद, ये जेटा और अल्फा वेरियंट में आता है ये वाला जो है एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करने वाला, तो अपने को ये जो एंड्रॉइड फ़ोन होता है उनमें ये एंड्रॉइड ऑटो वाली एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो सिंपल लिखेंगे तो आपका इंस्टॉल होने लग जाता है। एप्पल कार प्ले में तो आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी नहीं पड़ती, सीधा आपके फ़ोन से वो कनेक्ट होता है। तो ये जैसे ही इंस्टॉल होता है इसके बाद अपने को एक केबल सी ये होती है जो अपना जो यूएसबी वाला पोर्ट होता है इससे कनेक्ट होता है, तो ये एक केबल है, तो इसकी हमको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है इसमें लगाने के लिए, तब जाके ये चलता है। ये वायरलेसली नहीं चलता एंड्रॉइड ऑटो, और बहुत सही फीचर्स में आते हैं। प्लस आज की तारीख में कुछ वक्त पहले तक मैं एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले को एक वेस्ट फीचर मानता था अपनी नज़र में, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता था, लेकिन अब ये इतना काम का फीचर है, मैं कार में बैठने से पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब चलने से पहले, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको कहीं भी जाना हो तो अपना सिंपल अपने फ़ोन के गूगल में इसमें वो लोकेशन डाल के वो कर दो और इसको प्लग कर दो और आपका सारा इसमें आ जाता है, पूरा स्मूथली चलता है, ना कोई लैग ना कोई स्लो कुछ भी नहीं होता, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। और आपको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ता किधर लेफ्ट जाना राइट जाना, या फिर आपको वो फ़ोन माउंट नहीं करना पड़ता, बहुत सही चीज़ है ये। तो अब ये तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये आपने इंस्टॉल करा तो ये आपका इस तरीके से खुल जाता है, यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह देनी पड़ती हैं, इसको अलाउ कर देते हैं सारी चीज़ें, कंटिन्यू करेंगे जैसे ये आप, तो यहाँ पे आपको इसमें एंड्रॉइड ऑटो को इनेबल करना होगा, अलाउ करेंगे तो ये गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करेगा, जैसे वो इसका कमांड वाला फीचर आता है इसमें इधर, तो ये उसको भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ये है इस तरीके से आपको इंटरफेस फ़ोन में दिखता है, ये अपना जो है इसमें आपको कोई काम नहीं होता, आपका जो सारा काम होता है इसमें आता है मेन चीज़। तो इसमें आपको जैसे पहली स्क्रीन आती थी अपडेट से पहले ऐसी दिखेगी, जो मेन बदलाव आए हैं वो इस स्क्रीन में आए हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, अपना जो ये केबल है इसे कनेक्ट करनी होगी, जैसे ही हमने कनेक्ट करा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो ये है सिंपल इसमें आ जाएगा, जैसे अभी एंड्रॉइड कांट कनेक्ट राइट ना हो तो इसका आप दो तीन बार इसको, ऐसी ही दिक्कत आती होगी मेरे ख्याल सभी भाइयों को। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो केबल चेंज कर लो, या फिर आप ऐसे दो तीन बार इसको लगाओगे या कंटिन्यू वगैरह करके आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें आया था फिर से कि कांट कनेक्ट राइट ना हो, लेकिन जैसे मैंने अलाउ करी परमिशन तो इसमें जो अपना एंड्रॉइड ऑटो आ गया। आप लोग क्या गलती करते होंगे कि अपना जो है इसमें परमिशन वगैरह आपसे कोई आधी अधूर रह जाती होगी जिसकी वजह से ये आ नहीं पाता इसमें, तो यहाँ पे आपको टू स्टार्ट सेलेक्ट एंड्रॉइड ऑन स्क्रीन, हाँ तो ये चीज़ है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, फ़ोन आपका जो ये है आपका एंड्रॉइड ऑटो ये ऑप्शन आ चुका है, तो ये आपको जो है होम स्क्रीन इसकी ऐसी है। अब इंटरफेस इन्होंने कैसे चेंज कराया है, पहले इधर बिल्कुल अलग आता था और इस बार देख लो कैसा इन्होंने एंड्रॉइड ऑटो का कर दिया है। अब इसमें इस वाले इन्फोटेनमेंट में हल्की सी दिक्कत है, एक सेकेंड का थोड़ा सा लैग लगता है। देखो अगर वैसे हम इसका नॉर्मल इंटरफेस चलाते उसमें इतना ज़्यादा टच इशू नहीं आते, इतना स्लो नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लो होता है। इसमें अब क्या कर दिया, यहाँ पे होम बटन डाल दिया और यहाँ पे बाकी के वॉइस कमांड वगैरह। अब एक एक करके फीचर्स की बात करते हैं। जो मैप्स की जो सबसे मेन चीज़ मेरे को इसकी लगती है वो है, अब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सर्च करने में अब कहाँ तक आप लिखते रहेंगे, ऐसे इससे बढ़िया अपने फ़ोन में थोड़ी सी देर में कुछ नहीं जाता इसको ऐसे करके। अच्छा, आपके एंड्रॉइड ऑटो में ये खुलता नहीं है मैप्स, अगर आपके साथ अगर आपका ये कनेक्टेड है, मैं ज़्यादातर एप्पल कारप्ले यूज़ करता हूँ तो उसमें तो चल जाता है। तो यहाँ पे आपको यहीं पे जो है लोकेशन डालनी पड़ती है, या फिर आप कनेक्ट करने से पहले इसमें सर्च करके नेविगेशन ऑन कर सकते हैं, जैसे कि केबल लगाएंगे तो सारी डाटा इसमें आ जाएगा, तो वो चीज़ है वो बहुत सही चीज़ लगती है। तो वो आप पहले तो इसमें जो अपना मैप्स वगैरह है वो देख सकते हैं। आपको जो है इसका जो इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह होते हैं बहुत सी कार में वो यूज़ करने का नहीं होता, और उसमें आपको ट्रैफिक भी पता नहीं चलता
इसमें आपको एप्पल का इसमें एंड्रॉइड ऑटो में बहुत सही चीज ये पता चलती रहती है, जो आपका लाइव ट्रैफिक होता है वो पता चलता रहता है, क्या कंजेशन है, कितने बजे आप पहुंचोगे, वो सब चीज इसमें पता लगती रहती है, जो कि जो इनबिल्ट कार्स का वो होता है वो नहीं आता। स्पॉटिफाई भी इसमें आता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना सिस्टम चेक करना है ना कि क्वालिटी कैसी है, तो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी आती है वो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के केबल के थ्रू अगर आप कनेक्ट करके म्यूजिक चलाते हो, सबसे बेस्ट इसमें ही मेरे को लगती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसकी यूएसबी की क्वालिटी सबसे बढ़िया आती है। तीसरे नंबर पे ब्लूटूथ है ना, उससे ऊपर वो है ऑक्स, आजकल कोई उसको यूज करता नहीं है। ब्लूटूथ की सबसे गंदी क्वालिटी आती है आपकी, पता नहीं मतलब इतनी साफ नहीं आती जितनी आपकी इसमें आती है ना एप्पल कारप्ले। तो अगर आपको सही बिल्कुल बढ़िया म्यूजिक सुनने हो तो आप क्लियरिटी के हिसाब से अपना इससे कनेक्ट करके चलाएंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस अलग मिलेगा। इसका होम अलग है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसका थोड़ा सा, आपका जो बैग वाला बटन है इसमें काम नहीं करता। उसका प्ले म्यूजिक है जो गूगल का इनबिल्ट होता है, फ़ोन आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आपको यूज़ नहीं करना। कैलेंडर भी है इसमें, वो इसका कमांड के हिसाब से काम करता है, वैसे नहीं खुलता, हटाते हैं। गाना, जियो सावन, तो म्यूज़िक के सारे ऐप जितने फ़ोन में इंस्टॉल है वो आ जाते हैं। पहले मेरे ख्याल से जियो सावन नहीं आता था, अब आ गया है। न्यूज़ भी आप यहाँ पे वो इस कमांड के थ्रू मेरे ख्याल से पढ़ सकते हैं, वही है। पॉडकास्ट, रिमाइंडर, सैमसंग म्यूजिक जो फ़ोन का म्यूजिक है अपना वो भी आ गया है, सेटिंग्स और वेदर। तो ये कुछ चीज़ इसमें अब जो है ऐड ऑन हो चुकी हैं। और इंटरफेस सबसे बड़ी चीज़, इंटरफेस का बहुत बढ़िया हो चुका है, जो कि हकीकत में देखने में बढ़िया लग रहा है। और जो थोड़ा सा पहले ज़्यादा लैग करता था अब के कंपेरिजन में, तो अब वो सब चीज़ सही है। और अभी देखो मैं अभी आपको कुछ दिखा भी देता हूँ इसमें अंदर जाके, जैसे तो अब स्क्रीन भी देखो अलग हो गई है, जो ये वाली स्क्रीन है ना आपकी, ये अपडेट के बाद ये भी चेंज हो चुकी है। हालांकि बेस्ट वो ही होती है अपनी एप्पल वाली, वैसे इसको मैं बुरा ना बोल रहा हूँ, पर वो भी अच्छी होती है। इसमें जो पीछे का ब्लर सा आता है ना वो बहुत सही लगता है देखने में। तो इसमें आप आगे तो इसमें नहीं बढ़ा सकते, मतलब वैसे जो आगे खींचते हैं वैसे ट्रैक तो आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। सही है ना, क्विकली आपका सारा काम हो जाता है। अगर आप सैमसंग म्यूजिक पे नहीं सुनना चाहते तो वो कर सकते हैं। अगर आप जैसे YouTube प्रीमियम 20 में इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो भी आ जाता है, जिसमें एप्पल में अपने में YouTube म्यूजिक है जो प्रीमियम वाला वो यूज़ करता हूँ, तो वो बहुत ही बढ़िया चलता है इसके साथ, बहुत ही बढ़िया। तो वो भी अगर मैं इंस्टॉल इस फ़ोन में अपने में कर लेता हूँ वो भी आपको दिखने लग जाएगा। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो इसमें अपडेट हुए हैं। मेन तो इसका जो इंटरफेस है ना वो बहुत सही है, प्लस अब इसमें जो बग वगैरह थे या पहले जो आपको दिक्कत होती थी इसमें कनेक्ट ना होने की, वो सब भी सॉल्व कर दी गई हैं। तो अगर अब बात कर लेते हैं उनकी, अगर आपकी कार में ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको एरर दिखा देता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई मेरा जो एंड्रॉइड ऑटो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। पहली चीज़ तो आप जो है अपनी वायर को चेंज करके देख सकते हैं, चेंज होती है तो, अगर कई बार होता है ये केबल्स वगैरह यहाँ से चली जाती हैं, अगर वो फ़ोन वाली आती हैं लोकल सी तो वो यहाँ से या फिर यहाँ से चली जाती हैं। और अगर वो बिल्कुल सही है, केबल आपकी सही है, तो आप जो अपना फ़ोन है उसको एक बार चेंज करके देख सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको सेटिंग्स अलाउ करके दिखाया था वो सारी चीज़ आप प्रॉपरली एक परमिशन को उसको अलाउ कर दें। एक भी परमिशन अगर अलाउ नहीं करते हैं आप, तो आपने देख लिया था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और अगर वो आपको पता नहीं चल रही कि कहाँ से उनको अलाउ करें, तो एक बार आप इसको अनइंस्टॉल ही कर दो, दोबारा से इंस्टॉल करोगे और दोबारा सारा कुछ सेटअप करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो ये चीज़ है भाई, आपका आ जाएगा। एप्पल कारप्ले तो सबसे सिंपल है, आपने फ़ोन कनेक्ट किया तुरंत आपकी सारी डिस्प्ले है, जो सारा डेटा है वो आपकी इस पे आ जाता है। प्लस एक ये होम स्क्रीन जो इन्होंने यहाँ पे लगाया वो है। अब इसमें कुछ नए आपके वॉइस कमांड्स भी ऐड हुए हैं, जिनके अब हम देख लेते हैं। ये वैसे मेरे को वेस्ट फीचर ही लगता है इसका, वॉइस कमांड वगैरह। ओके गूगल, सुनता है नहीं, प्लस बहुत लैगी है। प्ले म्यूजिक, मतलब यार मेरे को देखो ये बहुत बेकार लगता है, सुनता तो है नहीं। ये है इसका अपडेट, यहाँ पे देखो बिल्कुल सही है, आपका जो मैसेज वगैरह है वो भी अलग तरीके से डिस्प्ले आती है। प्लस इसमें फ़ोन अगर आप करोगे वो भी एक नई तरीके से आएगा। तो एक बार अगर आपने ट्राई नहीं कराया ना या फिर अपडेट नहीं करा, तो एक बार अपडेट करके इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। प्लस आप यहाँ पे आप बता सकते हैं कॉमेंट्स में, अगर आप यूज़ करते हैं तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। देखो फ़ॉन्ट वगैरह इस बार बहुत ही बढ़िया इन्होंने कर दिए हैं। तो म्यूज़िक के ज़्यादा ऐप हैं, व्हाट्सएप इसमें अभी तक भी नहीं आया है। देखो व्हाट्सएप नहीं है इसमें, आपका जो वो होता है ना एप्पल का ऐप, उसमें व्हाट्सएप भी आता है। तो जैसे सेटिंग्स अगर आप यहाँ से खोलते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं ये।
मेन तो मेरे को इसमें आपको यही दिखाना था कि इसका अपडेट कैसा है और आप कैसे, अगर आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप कैसे उस कनेक्ट भी कर सकते हैं। एप्पल कार प्ले वाली वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पे बलेनो हिडन फीचर्स में, उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आप देखना, उसमें एप्पल कार प्ले वाली चीज़ भी मैंने दिखा रखी है। यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस वेदर वगैरह, क्या आपके नेटवर्क हैं, क्या आपकी बैटरी है, क्या टाइम है, वो सब भी दिखाता रहता है। बहुत बढ़िया है वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और उन पर चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।